ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि ये सीज़न जो है वो क्रिसमस का है, यानी बड़ा दिन, और ये प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन से संबंधित है कि प्रभु यीशु मसीह जो 2018 साल पहले संसार में जिन्होंने जन्म लिया था उनके जन्मदिन को मनाने का एक आज एक ये फंक्शन है और इसका नाम है अमन का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ पीस। और आप जानते हैं कि शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हर मनुष्य जो अशांत हुआ पड़ा है। तो हम ये मानते हैं, विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए, हर साल मनाए जाते हैं, ये करीब हमारा चौथा साल है यहाँ पर कनॉट प्लेस में। वैसे तो मनाते हैं आर्य, पर यहाँ पर ये इकट्ठे होकर हम सब मिलकर मना रहे हैं। क्या इन्हें पार्क के बाहर भी मनाया जाता है? पार्क के बाहर भी मनाया जाता है ये पार्क के बाद? तो ऐसा ये फेस्टिवल जो हम एक साल का मतलब एक इवेंट यहाँ रखा हुआ है, नहीं तो सब चर्चेस में ये मनाए जाते हैं, अपना अपना प्रोग्राम है क्रिसमस के रिलेटेड। एक तरह से क्रिसमस की शुभकामनाओं के लिए, नए साल की शुभकामनाओं के लिए एक दिन है कि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के संगीत के माध्यम से उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और लोगों को शांति का, प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं, उनसे हमें शांति मिलती है, उनसे हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और उसको हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं। लोगों के लिए ये संदेश लेके जाना चाहते हैं कि हम अपना प्रेम के साथ रहें, शांति को प्राप्त करें और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाएं जो हम सबको उद्धार करता है। सर, यहाँ जितने भी हमें गेस्ट दिखाई दे रहे हैं सब कहाँ कहाँ से आएंगे? ये वैसे तो अभी दिल्ली के कुछ लोग हमारे हैं, बाकी पर ये पब्लिक जो यहाँ पर कनॉट प्लेस में आज भी धूप सेक रही है, जो भी इसको सुनेगा, क्योंकि क्रिसमस को सब प्यार करते हैं, ये वो दिन है जब हम बहुत खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं। तो लोग आनंद उठाएंगे इस संगीत का, प्रभु के वचन को सुनेंगे गानों के माध्यम से। और जो क्रिसमस जब यीशु मसीह का होता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ से थे? उनका जन्म बैतलहम में हुआ था, जो कि यहूदिया के देश का था, और पूरा दुनिया इस दिन को मनाती है, पूरा संसार उसके दिन को मनाते हैं। आपने देखा होगा जो शायद इसको नहीं जानते वो भी खुशी को जाहिर करते हैं, कमर्शियलाइज्ड हो गया हुआ है, पर हम जो मसीही लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया है, हम अपने हृदयों से खुशी के साथ इस दिन को मनाते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और इस दिन की विशेष देते हैं, ताकि हम सब मिलकर भाईचारे के साथ, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ें। अपने देश के लिए आज प्रार्थना की जाएगी यहाँ पर, देश के राष्ट्रपति साहब जी के। बाकी रिलीजन से कितना अलग है? वेल, ये एक अपना फेथ है, यहाँ पर इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता कि जो आपका विश्वास वो आपका, जो मेरा विश्वास है मेरा है। मैं किसी को निंदा नहीं करता, ना किसी को मैं कहूँगा कि कौन अच्छा कौन बुरा है, ये तो मेरे अपनी पर्सनल आस्था है कि मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हम मैं ये मानता हूँ कि हम सब पापी हैं और पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम सब यत्न करते हैं। तो मेरा यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से, उसके ऊपर विश्वास लाने से मेरा उद्धार हुआ है। आपने सुना होगा गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह के उस कुर्बानी का जो संसार के लिए उसने दिए थे वो प्रकट करता है उसके प्रेम को। तो मैं ये मानता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, ना कह सकता हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं, उसी सृष्टिकर्ता के क्रिएशन है, जिसने आपको जन्म दिया उसने मुझे जन्म दिया है, हम सब एक हैं। तो प्रेम का संदेश है कि हम सब एक हैं और अपने विश्वास को हम जगह देते हैं। दैट्स ऑल।